नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, गौर सर, सीनियर केमिस्ट्री टीचर, राइट। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ ट्रिक एंड टेक्निक्स बताई थी जो कार्बनिक रसायन से संबंधित थी। उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आपने याद किए, मेरा ख्याल है एक भी नहीं। ये उन स्टूडेंटों के लिए थोड़ा समस्या रही होगी जो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट बहुत समय से केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो ट्रिक बताने के लिए मैं थोड़ा ही स्पीड मेंटेन रखा। लेकिन जिन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनके लिए ये यूनिक चीज थी और उनको मजा आ गया होगा। अब आज के ट्रिक एंड टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पीएच वैल्यू स्पेशल, और इसको जरूर आप देखिए, क्योंकि ये चीजें एसीएफ रेंजर फॉरेस्ट के एग्जाम में, पीएससी मेन्स एग्जाम में, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब में आपको काम आएगी। और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद लॉग टेबल आप देखना भूल जाएंगे, क्योंकि पीएच वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको लॉग के बारे में बताऊंगा। बस ध्यान से देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी, इसकी गारंटी है मेरी। लेकिन साथ ही साथ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूले, ये रिक्वेस्ट है, तब मुझे पता लगता है, मुझे एहसास होता है कि मैंने अच्छी चीज शुरू की आपके लिए। तो आज का वीडियो पीएच स्केल, लेकिन उसके पहले मैं पूरे लॉगरिथम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा और क्वेश्चन धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। एक चीज की और जानकारी दे दूं कि ऑनलाइन स्टडी के लिए एसीएफ और रेंजर पेपर वन की फीस 6000 है, पेपर टू की 8000। यू में ज्वाइन सेपरेट, मतलब आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन के लिए सीजी स्पेशल, जो छत्तीसगढ़ स्पेशल स्टडी है, एसीएफ और एपी के लिए उसकी फीस है 4000। मैथ रीजनिंग आप पढ़ते हैं, उसकी अगर क्लास आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी फीस है 2000 रुपीज। अच्छा, इन सभी एग्जाम के लिए आपको स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज, इसकी भी फीस इंक्लूड है, राइट। बिना टेस्ट के आप तैयारी कैसे करेंगे, बिना भात पकाए भात खा कैसे लेंगे, तो उसके लिए जरूरी होता है मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज ये। और इसके लिए आप, एक नंबर बता रहा हूं, उस पर पूरी डिटेल के लिए कांटेक्ट करेंगे, नंबर नोट करें 9300507576। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9300507576। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपकी जो भी समस्या है, जो भी चर्चा है, उसके लिए आप चर्चा करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पीएच वैल्यू। लेकिन उसके पहले मैं आपको लॉग के बारे में बता दूं, क्योंकि बच्चों को लॉग के बारे में, स्टूडेंट्स को लॉग के बारे में, लॉगरिथम के बारे में पता ही नहीं है। बहुत से लोग तो ये नहीं जानते कि लॉग का फुल फॉर्म लॉगरिथम होता है। तो सबसे पहला मैं जो चीज लिखने जा रहा हूं वो है LOGRITHM, लॉगरिथम, इसी से मिलता है लॉग। क्लियर आ रहा है ये, ठीक, इसी से मिलता है लॉग, और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं लॉग। सबसे पहली चीज अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप लॉग लिखते हैं तो लॉग की जरूरत क्यों आन पड़ी है, इस मैटर पे पहले मैं चर्चा कर दूं। लॉग की जरूरत इसलिए आन पड़ी है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दे दिया 10 की घात 10, इसको कैलकुलेट करिए, 10^23 कैलकुलेट करिए, यकीन मानिए इकाईदा हाई सैकड़ा हजार 10000 और अब 10 खरब नहीं 10 नील करके भी आप इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए लॉग की जरूरत आन पड़ी है। लॉगरिथम से बना लॉग, आप फिर से कोशिश करिए, मैं कह रहा हूं इसको पूरे को 23 टाइम्स 0 लिख लीजिए, इसके पावर का मतलब यही है 23 टाइम्स, और उसको पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, आप पूरा अंक नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए लॉग इसको बहुत इजी करता है, और लॉग के थ्रू आप सरलता से वैल्यूज जान जाते हैं। तो सबसे पहले लॉग की बात, लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने दिया 2^5 इज इक्वल टू होता है 32, चलिए बहुत छोटा पावर था आपने जान लिया,
लेकिन अगर पावर बड़ा होता जाए तब क्या करेंगे, 2 to the power 22 दे दें फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, क्योंकि 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 2 2 2 2 2 चलता चला जाएगा और आप दुनी दुनी करते रहेंगे। इसके ध्यान से देखिएगा लाभ का फायदा। तो देखिए इसको हम लॉ में बेस मानते हैं आधार 1, और जो सामने राशि दी हुई है इसको मानते, इसको 2 लिया और इसको 3, और आप देखिए कितने आसानी से हम इसको ऐसे लॉग के फॉर्म में, आधार यहां पर आ गया 1 32, जो सामने नंबर है उसको लिखा 2 और बराबर ये सामने आ गया पावर, इसको हमने लॉग में कन्वर्ट कर लिया, LOG लॉ, ये लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है। जब लॉग में कन्वर्ट किया तो आइए इस डिजिट को लिखता हूं मैं, क्या लिखा मैंने लॉग, आधार क्या है बेटा 2 32, आधार 2 पर 32 का लघु गुणक होता है 5 जो पावर में है। बहुत इजी है, देखते जाइए, एग्जाम्पल नंबर 1 बताया मैंने, और इस बात को ध्यान रखिए ये क्या चल रहा है। बस दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया 10 to the power 0, किसी का भी पावर अगर आप 0 लेते हो तो आता है 1, क्लियर, किसी का भी पावर आप 0 लेते हो। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3, जैसा मैंने यहां लिखा है, और उसको लॉग में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, लॉग आधार में 1 लिखोगे, मतलब आधार 10 और ये जो इज इक्वल टू के पार है वो 1 और बराबर ये पावर आ गया 0। तो इससे ये पता लग गया कि लॉग आधार यदि 10 हो तो 1 का लघु गुणक 0 होता है। हिंदी में लॉग को लघु गुणक बोलते हैं, लेकिन लघु मतलब छोटा करना, कैलकुलेशंस को छोटा करना, लघु गुणक छोटे में गुणा करना। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए कि छोटा बना के गुणा कर डाला है, राइट, और ये बहुत आसान हो जाएगा आपका। लेकिन यहां लॉग की बजाय हिंदी रहता तो लिखते लघु आधार 10, लघु आधार की वैसा नहीं होता, तो आप लॉग याद रखिए। अगर मैं ई को बोलते हैं चर घातांकी कोई नंबर है, ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर इसका आधार इसका पावर 0 है तो बराबर आता है 1। अब ध्यान से देखिए ये हो गया आधार 1, इक्वल टू में 2 लिखा और यहां लिखा 3, अब लॉग में कन्वर्ट कर दिया, लॉग यदि आधार ई हो तो 1 का लघु गुणक क्या आ रहा है, बराबर 0। इससे हमें एक बात पता चल गई, ये आपके लिए एक फॉर्मूला मैंने दे दिया, और इससे एक बात और पता चल गई क्या, कि आधार कुछ भी हो चाहे 10 हो चाहे ई हो, 1 का लघु गुणक हमेशा 0 होगा। इज इट क्लियर। बहुत से कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर इंग्लिश थोड़ी ज्यादा है, मैंने कहा सो दिन दी लीजिए, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को निराश होने की जरूरत ना है, उनके लिए हम है ना, राइट। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, यदि 10 का पावर मैं लेता हूं 1 तो क्या आएगा यहां, 10 10 की घात 1 मतलब 10, तो ये इसको लघु गुणक में बदलना है, 1 2 3 लिखते जाइए, 4 5 6 मत लिखिएगा। लॉग यदि आधार यहां 1 आएगा, देख लीजिए 1, लॉग यदि आधार 10 है तो इक्वल टू वाले को लिखा, लॉग यदि आधार 10 है तो 10 का लघु गुणक हमेशा क्या होगा, पावर 1। एक फार्मूला और, फिर यदि मान लीजिए आपको दिया गया, आपको दे दिया गया यहां क्या, e to the power 1 बराबर क्या होता है भाई, ई, अरे किसी की विघात 1 हो तो वो ही नंबर आएगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, लॉग में, लॉग यदि आधार या 1 लिखेंगे ना, आधार की जगह लॉग यदि आधार 1 हो, सॉरी लॉग यदि आधार ई हो तो ई का लघु गुणक, ई का लघु गुणक हमेशा 1 होगा। एक फॉर्मूला आपको और बन गया, ध्यान से सुनिएगा, बस सुनते रहिए, कि किसी आधार पर उसी संख्या का लघु गुणक हमेशा 1 होता है, यदि आधार और संख्या समान हो तो हमेशा लघु गुणक 1 होता है, प्रूफ करके बताया है, कभी भूलिएगा नहीं, बार बार इस वीडियो को आप देखते रहिए, मजा आएगा, बस अच्छा रहे, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कभी भूलने वाली चीज ना है भाई। तो अब आइए कुछ
मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लॉ जो जो भी 11th 12th में साइंस स्टूडेंट्स पढ़े हैं वो जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से देखिए। एक ऐसी चीज जो आपकी में और भी बहुत से लोग नहीं जानते, ध्यान से देखेंगे। यदि मैंने लिखा log e, सपोज x कोई नंबर ले लिया, तो ये e जो आधार है इसको कहते हैं प्राकृतिक आधार। इसको कहते हैं प्राकृतिक आधार, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल बेस। थोड़ी सी अंग्रेजी जानना जरूरी है, अरे अंग्रेजी तो वापस बोलते हो ज्यादा। e को क्या बोला? नेचुरल बेस। लॉ मतलब इसको बोल सकते हैं कि प्राकृतिक आधार पर x का लघुगुणक निकाल रहे हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, कभी कभी बुक में लिख देता है, ध्यान से सुनिएगा क्या, log की जगह l, नेचुरल बेस की जगह n और x। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बला है। कोई बला नहीं है, कोई बला नहीं है। ध्यान से देखिए कि log प्राकृतिक आधार पर x का लघुगुणक निकाल रहे हुआ, ये log ex की जगह हम log nx लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला log आधार 10x, ये 10 जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सिंपल बेस। सिंपल बेस साधारण आधार, साधारण आधार, और इसको हम डायरेक्ट log x लिख देते हैं बस। अगर ऐसा लिखा रहा है तो समझ लीजिएगा यहां पर सिंपल बेस दिया हुआ है, सिंपल बेस साधारण आधार दिया हुआ है, लेकिन ई दिया है तो प्राकृतिक आधार है। अब जितनी भी लॉग टेबल आप देखते हो उसमें जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो भी गणनाएं दी जाती हैं, वो लॉग आधार 10 पे होती है, बेस 10 पे होती है। तो कैसे, अब देखिए, मान लीजिए कहीं दे दिया गया लॉग बेस ई एक्स, इसको हमें बदलना है। जब तक आप इसको आधार 10 में नहीं बदलेंगे तब तक आपको आंसर मिलने वाला नहीं है, आप टेबल में सर पटक लीजिए, राइट। तो सबसे पहले आपको ये जो प्राकृतिक आधार है उसको साधारण आधार में बदलना पड़ेगा, तब यहां पर उसके लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं और लिखते हैं लॉग बेस 10 एक्स। ये फॉर्मूला बन गया भाई, ये जानना जरूरी है। और कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूं, इसको सब नोट करिए और इसको याद कर लीजिए। लॉग एम गुणा एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। आप समझ गए, आप सिंपल बेस वगैरह वगैरह मैंने सब बता दिया, आपकी समस्या चली गई, हट गई। ये लॉग एम माइनस लॉग एन, ये सिंपल बेस पे बात कर लो, जो करना हो वो कर लो, नहीं मतलब ऊट पटांग मत करिए। ये अगर पावर में है तो ये नीचे ढलन जाएगा, ढलन जाएगा मतलब वो सामने आ जाएगा मल्टीपल में, गुणक में। लॉग एम जो भी पावर में नंबर रहेगा याद रखिए वो नीचे आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि किसी आधार पर उसी संख्या का लघुगुणक सदैव एक होता है, किसी आधार पर उसी संख्या का लघुगुणक सदैव एक होता है, राइट। अभी और फॉर्मूले इसके नीचे लिखा रहा हूं वो देखता हूं, तब तक ये ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट टक से ले लीजिए, मजा आएगा। ले लिया टक से, अब फिर देखिए फिर से एक बार पूरे फॉर्मूले को मैं एक साथ लिख रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। फिर हमारी में पीएच पे, और क्या होता है पीएच आज मैं बताऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन टिंग से दबाना है। और फिर से एक बार बता दूं कि ऑनलाइन स्टडी क्लास के लिए एसीएफ रेंजर पेपर वन का 6000 to 8000 सीजी स्पेशल स्टडी, एसीएफ और एपी के लिए 4000, मैथ रीजनिंग की फीस 2000, सभी मटेरियल और टेस्ट आपको मिलेंगे। मोबाइल नंबर पहले बता दिया हूं, राइट। तो देखिए सूत्र क्या क्या हमारे पास चले, सूत्र इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, लेकिन स्पेलिंग फॉर्मूला को फॉर्मूलाज नहीं बोलते, एफ आर एम ओ यू एल ए ई आ जाता है प्लूरल के लिए, ये जानकारी के लिए बताया। अब सूत्र ध्यान से फिर से देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा वही रिपीट हो रहा है। लॉग एम इन टू एन, कोई भी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई है
तो वो प्लस में कन्वर्ट करेगा लॉग, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर डिवाइड कर रहे हो आप लॉग एम बाय एन तो ये आ जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। फिर यहां पर आ गया लॉग एम टू द पावर एन, तो ये पावर सामने जैसा पहले बोला था ढलंग जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहां देखिए उसी आधार पर उसी संख्या का लघुगुणक हमेशा एक होता है, उसी आधार पर उसी संख्या का लघुगुणक एक होता है। अब ध्यान से लॉग यदि आधार, लॉग आधार कोई भी हो एक का लघुगुणक हमेशा क्या होगा शून्य। ये फॉर्मूले में आया लॉग आधार कोई भी हो एक का लघुगुणक हमेशा क्या होगा शून्य। मैंने बताया था याद करिए यदि e टू द पावर वन इज इक्वल टू ई है तो ये ई है तो वन टू थ्री ले लिया था, ये लॉग आधार ई, ई का पावर क्या आया था वन। और याद करिए टेन टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या लिया था वन, वन टू थ्री। लॉग यदि आधार दस है किसी भी आधार पर एक का लघुगुणक हमेशा शून्य होता है, ये सूत्र है। अब आप इसको याद हो गया होगा आपको, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो टीचर लोग आके बोलते इसको याद कर लीजिए, अच्छा है साइंस पढ़ रहे हो भाई आर्ट है तो याद करिए, कॉमर्स में भी याद नहीं करता है बच्चा है, साइंस तो थोड़ी समझने की चीज है, आइए समझे। अब ध्यान से देखिएगा भाई तो कि उसी आधार पर उसी संख्या का लघुगुणक एक और किसी भी आधार पर एक का लघुगुणक हमेशा शून्य होगा। अब एक वैल्यू लॉग यदि आधार दस है, फिर से लिख रहा हूं ये वाला फार्मूला ध्यान से देखना, तो इसका लघुगुणक शून्य होगा। लॉग बेस टेन टू याद रख ले, इसे याद रखें, इसका वैल्यू होता है 0.3010। लॉग बेस टेन थ्री का वैल्यू याद रख ले 0.4771। और देखिए बस इतना याद रखिए बाकी काम मेरा, अभी मैं पूरा चार्ट बनवा रहा हूं लॉग की वैल्यू बिना लॉग टेबल के, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बताता है मैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, अभी इसका एक मिनट रुक जाइए बाद में टक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जस्ट मिनट वेट। जैसे मान लीजिए लॉग फोर का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे लॉग बेस टेन टू टू द पावर टू कर दीजिए, ये सामने आ जाएगा ढलन जाएगा लॉग बेस टेन टू। लॉग टू की वैल्यू आपको पता है तो टू इंटू 0.3010 लिख लिया, ये लॉग टू की वैल्यू है। तो ये क्या आ गया 0206, ये देखिए 4 की वैल्यू आपकी निकल गई। अब धीरे धीरे बताता हूं, बोर्ड में जगह तो आने दीजिए, स्क्रीनशॉट। चलो 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 स्क्रीनशॉट है भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। फिर से आ जाइए फॉर्मूला देखने के बाद आगे की बात, मान लीजिए लॉग फाइव की वैल्यू निकालनी है, फोर की तो निकाल लिया, मैंने आपको याद करने बोला लॉग बेस टेन वन है, लॉग बेस टेन टू इज इक्वल टू क्या था लॉग बेस टेन वन इज इक्वल टू जीरो, टू इज इक्वल टू 0.3010, लॉग बेस टेन थ्री इज इक्वल टू 0.4771। बस इसको याद रखिए आप, मैं कह रहा हूं बस इसे याद रखना। फिर लॉग फोर की वैल्यू आपने निकाली कितनी आई थी, लॉग बेस टेन फोर इज इक्वल टू बोलिए बोलिए, इसको डबल कर दिया था याद आया 0206, टू का स्क्वायर टू की वैल्यू निकालिए टू को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया लॉग फोर की वैल्यू। लॉग फाइव की वैल्यू क्या होगी, पांच मिनट का समय लूंगा ज्यादा नहीं, लेकिन आज के बाद आप लॉग टेबल देखोगे, देखना चाहो तो मैं कुछ नहीं बोल सकता लेकिन नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। फाइव की वैल्यू निकालना बेटा कैसे करोगे, तो हमें मालूम है कि लॉग बेस टेन टेन क्या होता है वन, सेम बेस पे सेम डिजिट का लॉगरिथम वन होता है, तो लॉग फाइव को हम क्या लिख सकते हैं लॉग बेस टेन, ये टेन ही है बेस, सिंपल बेस है, टेन बाय टू फाइव की जगह ये लिखा एम बाय एन, तो ये क्या हो गया भाई लॉग एम माइनस लॉग एन, सेम बेस सेम डिजिट वन माइनस सॉरी टू, लॉग टू की वैल्यू 0.3010, चलिए वन में से माइनस करिए 0.9960, ये किसकी वैल्यू आ गई भाई लॉग बेस टेन फाइव लिख दिया।
0.6990 सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद विद इन सेकेंड लगेगा आपको इसको कैलकुलेट करने में। आप टेबल पलटोगे तो बहुत सारे नियम कायदे कानून मिलेंगे। अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आंसर को टक से छू के आ जाओगे आप। ऐसा अब देखिए, मान लीजिए आ गया लॉग बेस 10 6, क्या होगा भाई? बहुत आसान है, बाद में आप मन ही मन में कैलकुलेट करोगे, जैसे मन में गाने गुनगुनाते हो ना, आज फिर तुम पे ना, गाना नहीं, तो मन ही मन में इसको कैलकुलेट करोगे आप, क्या हो जाएगा? लॉग 2 * 3 लॉग 2 + log 3 बेस 10 रहेगा, 2 की वैल्यू 0.3010, 3 की वैल्यू 0.4771, जोड़ना पाता न भाई, 1 8 7 7 0। तो log बेस 10 6 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 0.7781। अब काम की बात बताएं कि ये 7 नहीं कुछ कम है, आगे देखते हैं। पहले 7 को मैंने ठुल्लू बिठा दिया, मतलब मैंने भी रोक रखा है, जब इतना निकाला तो 7 को बड़ा रुक गया भाई, आ रहे हैं तो 7 की बात अटकी है, 7 को मैं बताऊंगा। जब हम कोई भूतिया फिल्म देखते हैं ना तो सस्पेंस धीरे धीरे आता है, पहले हवेली का दरवाजा खुलता है चे से, फिर बाद में फिर लास्ट में हू होता है, ठीक है? तो वही चीज देखते रहिएगा बस। अगर मैं बात करूं लॉग बेस 10 8 की, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप लिख सकते हो लॉग बेस 10 2 to the power 2, 2 * 4 * 8, ये सामने ढलन गया मतलब सामने की ओर कूद गया, 3 * बोलिए क्या आया? 0.3010, 3 का मल्टीप्लाई किया 0309, ये आ गया टक से लॉग 8 की वैल्यू, लॉग बेस 10 8 क्या आया भाई? 0.9030। अब लॉग 9 की, सॉरी 8 की आया है 0.9030। अब लॉग 9 की बात करें, लॉग बेस 10 9, तो क्या लिख सकते हैं आप? लॉग बेस 10 3 to the power 3, फिर सामने कूद गया, सुसाइड कर लिया, या ये कहा कि नहीं, हम जब भी खड़े होते हैं, जब पावर में कोई चीज आए तो हम जब भी खड़े होते हैं सबसे पहले खड़े होते हैं, हो गया। 2 * 0.3 की वैल्यू क्या? 0.4771, 2 14 4 = 1, 15 * 5 = 5, आया 1, 4 * 8 = 9, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, चेक कर लेना, गलती होगा तो मेरा दोष नहीं देना, ठीक? तो क्या आया बेटा लॉग बेस 10 की वैल्यू? 0.9542। चलिए एक बार फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 * 1 = 2, 7 * 2 = 14, 7 * 2 = 5, 8 * 9 = 10, ठीक है? देखिए, और 10 की वैल्यू क्या है? लॉग बेस 10 = 1। इतनी चीजें जान गए आप, अच्छे से समझ गए। अब देखिए, अब बारी आ रही है लॉग बेस 10 7 की, अब लॉग बेस 10 7 की बारी आ रही है, ध्यान से देखना, यहां लगभग 0.1 का अंतर है, फिर उसके बाद ये बीच में 1 पॉइंट गायब है, तो आप लगभग 0.080 करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे भी लॉग की इतनी सटीक वैल्यू मैंने बताई है, बच्चा लोग तो इसको 2 पॉइंट और स्कूलों में 2 पॉइंट तक ही बताते हैं, तो 7 बस की वैल्यू आप इतना देख लीजिए। अब समस्या कहां जाती है वो मैं बताता हूं, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए टक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम आएगा, बाकी अप्रोक्सीमेशन में देखिए मैं कैसे बताता हूं आपको, हो गया? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि कोई किसी की वैल्यू आई लॉग बेस 10 0.27, तो प्रॉब्लम हो गई हमको, प्रॉब्लम हो गई, इसकी वैल्यू तो बताया नहीं, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने चेंज कर दिया लॉग बेस 10 27/100 लिख सकते हैं, देखिए डेसिमल के लिए हमेशा 0.027 है, दशमलव के लिए 1 लिख देते हैं, ये 1/2 और 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लीजिए, तो 27/100 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 9 किया 27 होता है, हमें मालूम है, और ये क्या है 10 स्क्वायर, आप इसको क्या लिख सकते हो? 3, इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 3 3 3 * 9 = 27। अब m और n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, m / n,
log base 10 3 क्यूब माइनस log बेस 10 10 स्क्वायर। अब ये पावर में है, फिर से इसको सामने गिरा दीजिए, 3 log बेस 10 3 माइनस 2 log बेस 10 10, ये 10 10 1 हो गया, ये 3 इंटू 3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.4771 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 28 7 21 की एक हाथ लाए दो 21 22 23 की 3 हासिल आए दो 12 13 14। ये देखिए, ये बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप फट से निकाल लिए। आप यकीन मानिए, उस जितना समय आपको लॉग टेबल देखने में लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कुछ चीजें मन में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो ये दो तीन स्टेप गायब होते चले जाएंगे। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। डेमो क्लास है, बहुत ज्यादा समय तो आपके साथ मैं नहीं कर सकता स्पेंड अभी, लेकिन रेगुलर क्लास में तो घंटों भी हम बैठे रहेंगे, लेकिन आज का काम मैं पूरा करके जाऊंगा, वादा किया है वादा निभाऊंगा। इसमें और भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, बस प्रैक्टिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना होने के बाद अब मैं आता हूं पीएच। जब तक ये हम नहीं जानेंगे तब तक हम पीएच की बात ही नहीं कर सकते। अब हम पीएच कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच की गणना कर रहे हैं, गणना। अरे सबसे पहले पीएच होता क्या है, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी फार्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल बनना चाहिए, हमारा स्वार्थ तो सिद्ध होना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि अगर बेसिक नहीं मालूम है और बेसिक से कोई क्वेश्चन उठा दिया जाए तो हमसे नहीं बनता। जैसा कि आप अभी ऑब्जेक्टिव्स में देख रहे होंगे, बहुत समस्या जाती है, लेकिन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ए टू जेड क्लियर है तो समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन में अटकने के बहुत कम चांस है। अगर आप क्वेश्चन में अटकते हैं तो बिल्कुल मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। गौर सर केमिस्ट्री चैनल, मतलब केमिस्ट्री गौर सर चैनल में आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बताते जाऊंगा। और बाकी तो इस इंस्टीट्यूशन में सब विषय चल ही रहे हैं, ACF रेंजर वगैरह, AP का भी आ गया है, मैथ रीजनिंग का भी चल रहा है, सब कुछ है और पूरी डिटेल मैंने दी हुई है आपको। नॉमिनल फीस है, आप कोई तनाव ना लेंगे, बहुत आपको फायदा मिलेगा। और अब आइए पीएच की गणना। जैसे मैंने बताया कि पीएच को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत, जानकारी जरूरी है। डायरेक्ट पीएच से आप नहीं बना सकते, फार्मूला आपको सिंपल क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लोग बनाते भी हैं सभी स्टूडेंट, लेकिन यह है कि अगर हम बेसिक जान जाए, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पिक कर सकता है, कहीं से भी चुन सकता है, अगर उसने लिख दिया पीएच वैल्यू तो आया कहां से, ये हमारी जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन उसके बीच से क्वेश्चन प्रश्न निकल सकते हैं। अब उन प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले पीएच क्या है, क्यों जरूरत आन पड़ी है, पीएच स्केल किस लिए बना, तो मैं बताता हूं आपको। पीएच बना है अम्ल और क्षार के मापन के लिए, कि अम्लीयता किसी विलयन की, किसी क्षार कितना है, उसके मापन के लिए पीएच स्केल की गणना की गई। तो पीएच कैसे जान पाएंगे हम, पीएच एसिड और बेस के लिए, ये तो आप समझ गए, और पीएच का आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि सिंपल अंकित प्रश्न, सरल अंकित प्रश्न आएंगे, बिल्कुल ठीक है। वो ये नहीं कह रहा है कि हम इसके बीच से क्वेश्चन नहीं देंगे, ध्यान दीजिए, केवल खुश होने की जरूरत नहीं है, पीएच बन गया खुश होकर ताली बजाए। अरे आया कहां से पीएच, उसके बारे में तो मैं पूछ सकता हूं, मालूम है तब तो आप यहां तक पहुंचे हो। तो आइए वही चीजों की बात बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अम्ल H प्लस दाता, और याद रखिएगा पानी में, याद अच्छे से रखिए कि बिना पानी में डाले आपको आयन नहीं मिलेगा, हवे में या ठोस अवस्था में आयन नहीं मिलते, उसको उसके लिए किसी पानी में डालो या किसी द्रवीय माध्यम में डालने पर उसके आयन अपने अलग अलग होते हैं। अम्ल और क्षार को भी पहले पानी में डाला जाता है तो उसमें से आयन टूटते हैं, उसमें हम H और OH की गणना करते हैं, जो क्षार के लिए क्षारिता और अम्ल के लिए अम्लीयता बताता है। आधी जानकारी फायदा नहीं है, देखते रहिए। पानी में जैसे ही डाला, पानी में लिख दिया H प्लस दाता, कोई भी पदार्थ, देखिए पूरी थ्योरी लिखेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, अरे आपके पास वीडियो है, बार बार देखो, मेरी बातें तो सुनो, अच्छी लगेगी।
तो ध्यान से देखिए, अम्ल वह पदार्थ होता है जो पानी में H+ का दान करता है। HCl को पानी में डाला, बड़ा मजा आया, ये गया टूट, H+ दिया मतलब अम्ल, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दो H+ दे रहा है और SO4 टूट रहा है। पानी पे डालने पे H+ दिया अम्ल, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, तीन H+ दिया, PO4 में ट्रिपल माइनस, क्यों आया ट्रिपल माइनस, क्योंकि यहां तीन प्लस है, एक H में एक प्लस तो यहां तीन माइनस, ये उदासीन है, इट्स अ न्यूट्रल। अब आगे की बात देखते जाइए। ऐसे ही हम बात करें क्षार के बारे में। क्षार क्या है? जो भी पदार्थ पानी में OH का दान करे, पानी हमारे लिए आवश्यक चीज है भाई, जल ही जीवन है, पानी हमारी नीड है, पानी हमारी आवश्यकता है। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हम चीजें देख रहे हो, हम पानी के देखते हैं कि पानी की तुलना में वो कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है कोई पदार्थ, हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्षार, क्षार किसको बोला भाई? OH का जो दान करे, अरे जिसके पास होगा वही तो देगा। NaOH को पानी में डाला, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये क्षार। KOH को पानी में डाला, K प्लस प्लस OH माइनस, ये OH दिया मतलब क्षार। तो यहां पर क्लियर एक मैंने मेंशन कर दिया कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है, बहुत सिंपल शब्दों में। डेमो की क्लास में भी इतना और भी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में, जितना हो सकता है। ज्यादा फायदे के लिए तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा ना भाई, और नहीं तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो लेक्चर में मिल रही है, बिल्कुल मिलेगी, मैं आपके हमेशा साथ हूं। केमिस्ट्री गौर सर चैनल 24 आवर्स, और इस इंस्टीट्यूट से मैं कंटिन्यू अटैच जुड़ा हुआ हूं, बराबर। तो ध्यान से देखते रहिएगा, अम्ल और क्षार पहचान लीजिए एक बार टच से, इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट। अम्ल और क्षार जानने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, पीएच की गणना करना है। सवाल ये उठता है, मैंने पहले बोला कि पीएच आया कहां से, मैंने आपसे एक चीज बोला था बिना पानी सब सून, और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो हो सकता है आपको लगे ये क्या थ्योरी बता रहे हैं, हमें नहीं जानना इतिहास ये कहां से आया, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल सही है आप, लेकिन जो चीज बताने जा रहा हूं उसके बीच से कितने फॉर्मूले निकल रहे हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। डांट नहीं रहा हूं, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले वाटर के बारे में पढ़ेंगे, पानी। पानी के बारे में आप एक चीज जानते हो, जल वाटर, पानी के बारे में आप एक चीज जानते हो। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। पानी में अगर आप एसिड मिलाइए तो वाटर एसिडिक हो जाएगा, पानी में क्षार मिलाइए तो क्षारीय हो जाएगा, लाल रंग मिला दीजिए लाल हो जाएगा, पीला मिला तो पीला हो जाएगा, चिखला धरा मिला तो चिखला हो जाएगा। समझ रहे हो ना, छत्तीसगढ़ी भी अभी आपको पढ़ना है भाई, तो थोड़ी किन में ज्ञान भी देख रही हूँ, छत्तीसगढ़ी कैसी बोटी आते हैं हम, ठीक है। और काय के बीच में आते हैं ये भी जरूरी है भाई, क्योंकि आप सीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, लैंग्वेज जरूरी है जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पानी से ही हमें पता चल रहा है अम्ल और क्षार क्या है। पानी के बारे में मैं एक चीज बताऊं कि सबसे पहली चीज, पानी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। पानी क्या है भाई? दुर्बल विद्युत अपघट्य, पहली चीज अपघट्य, यानी अपघट्य दुर्बल विद्युत अपघट्य है, मतलब केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य ही साम्य स्थापित करते हैं। ये देखिए ध्यान से, यहां साम्य का चिन्ह है बेटा, अच्छी इतनी चीजें इसमें इसके अंदर में है कि आपको धीरे धीरे बतानी पड़ती बतानी पड़ेगी। साम्य का चिन्ह, अभी सिर्फ एक लाइन याद रखिए, केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य साम्य स्थापित करते हैं, मतलब जब दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो इसमें ऐसा साइन आएगा। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य पानी कैसे है? तो याद रखिए, पानी के 55 करोड़ अणुओं में सिर्फ एक अणु टूटता है। पानी के हिंदुस्तान के बराबर जनसंख्या ले लीजिए तो दो आयन मिलेंगे वाटर के टूटे हुए। 140 करोड़ है, थोड़ा सवा दो आयन तो नहीं मिलेगा, दो ही मिलेगा। तो 55 करोड़ में एक आयन मिलता है,
और साथ ही साथ ये साम्य है कि यहां एक साम्य स्थिरांक आता है जो बराबर होता है सीधे हाथ की सांद्रता, सांद्रता यानी कि अमाउंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं, सीधे हाथ की सांद्रता बटे उल्टे हाथ की सांद्रता। ये देखिए, इसको बताने की जरूरत क्यों आनी पड़ी है, दो मिनट वेट करिए, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। इसको इधर गुणा किया K इंटू एच टू ओ, मैं एच ओ एच लिख रहा हूं, H प्लस इंटू एच प्लस की सांद्रता गुणित ओ एच माइनस की सांद्रता, सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है याद रखिएगा। अभी ये देखिए, मान लीजिए हमने 55 करोड़ अणु वाटर के लिए एक टूटा तो इसको इसकी गिनती छोड़ सकते हैं, मतलब के तो अचर है ही है, साम्य स्थिरांक है, और ये जल के 55 करोड़ अणुओं में एक आध टूट गया है, टूट जाए ना, इसको 55 करोड़ ही मान के गुणा करो तो दो अचर का गुणा एक नया अचर मिलता है के डब्ल्यू, दो अचर का गुणा क्या मिलता है एक नया अचर के डब्ल्यू। तो बस इसको यहां पर रख दीजिए, तो के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला, एच प्लस एच की सांद्रता इंटू ओ एच की सांद्रता। अभी देखते रहिएगा भाई, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लिया। अब देखिए शर्त यानी कि कंडीशन बोलते हैं हम, शर्त यहां एक शर्त लगाते हैं कि यदि यदि हम एक लीटर वाटर ले, एक लीटर वाटर एक वायुमंडलीय दाब ले, एक वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप या 298 केल्विन ताप ले ले, तब हमें के डब्ल्यू का मान 1×10^-14 प्राप्त होता है। इसको ध्यान से देखिए, यह शर्त है कि यदि हम एक लीटर वाटर ले, एक लीटर पानी, एक वायुमंडलीय दाब ले और 25 डिग्री ताप ले ले, तब हमें एक लीटर पानी में जो के डब्ल्यू का मान मिल रहा है वो 10^14 मिल रहा है। और के डब्ल्यू को क्या बोला, ये आयनों का गुणनफल है, वो भी जल के, तो जल के आयनों का गुणनफल होने के कारण के डब्ल्यू को बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, के डब्ल्यू को नाम दिया जल का आयनिक गुणनफल, और इसका मान होता है 1×10^14। याद रखिएगा, इसे समीकरण दो में रख दो, समीकरण एक में, सॉरी समीकरण एक में रख दीजिए इस मान को के डब्ल्यू के, तो क्या आ जाएगा, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू, एक को हटा सकते हो, लिख सकते हो 10^14। एक सूत्र तैयार हो गया आपका, यहां पर कैसे आया ये फार्मूला समझ में आने बात। अब बीच में से ये क्वेश्चन दे सकता है कि के डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, बीच में ये क्वेश्चन दे सकता है कि के का आयनिक, के डब्ल्यू का के, व्हाट इज के डब्ल्यू, इस के डब्ल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे जल का आयनिक गुणनफल, इसका मान क्या होता है इस कंडीशन पे, तो ये हो गया 10^14, 1×10^14। एच और एच का गुणनफल वाटर में, जल का एच ओ एच का गुणनफल क्या होता है, तो आप बोलोगे 10^14। क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, चूंकि अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ब्रेक किया आपने, समझिएगा ये एच है, ये ओ एच है, वाटर में डाला, जैसे इसको ब्रेक किया वाटर का एक मॉलिक्यूल को, एक अणु को, तो एक एच प्लस और एक ओ एच माइनस मिला, मतलब एच प्लस की सांद्रता ओ एच की सांद्रता के बराबर होगी। इस मान को इसमें रख दो, एच प्लस इंटू एच प्लस बराबर क्या आ गया भाई, 10^14। इसको हम लिख सकते हैं एच प्लस का स्क्वायर बराबर 10^14। तो H प्लस की मात्रा कितनी हो गई, 10^7। पानी के लिए पानी उदासीन है, जल क्या है, दुर्बल विद्युत घट होने के साथ ही साथ उदासीन माना गया, उदासीन है जल। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जल के लिए H प्लस की सांद्रता कितनी आई, 10^7। ये एक सूत्र बन गया, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन बताऊंगा जरूर, और क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपसे बनेंगे इसकी गारंटी है। पीएच आया कहां से, न्यूमेरिकल तो आसानी से बनेंगे लेकिन पूरे फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे। फिर से वही बात, टक से स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे आ जाइए, क्या क्या जाना आपने सब अभी देखते रहिए,
यहां से आपको कुछ फॉर्मूले मिले। क्या क्या फार्मूला मिला? सबसे पहला फार्मूला कि के डब्ल्यू की वैल्यू होती है जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है 1 × 10^14 एक सूत्र। जल के आयनों का गुणनफल क्या होता है? के डब्ल्यू होता है, मतलब 10^14। फिर H प्लस की सांद्रता जल के लिए क्या होती है? अभी सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ रहे हो जल, जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून, ये 10^7 है। फिर मैंने बताया था चूंकि H प्लस बराबर 10^7 है तो OH भी कितना होगा भाई? 10^7 ही होगा। एक और फार्मूला तैयार हो गया। अभी देखते रहिए, मैं फार्मूले पे फार्मूला दे रहा हूं। ये सब फार्मूले हमें काम आएंगे। और ये कैसे आ रहे हैं देख रहे हो आप, बीच से निकले हैं तो थोड़ा तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा था पानी में पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वो लगे उस जैसा। ये पानी में H प्लस OH माइनस पहले से थे, इसमें मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया? एसिड मिला दिया। अब ध्यान से देखें प्लीज ये कैलकुलेशन, इसमें फिर से फार्मूले मिलेंगे आपको। जैसे HCl मिला तो ये पूरी तरीके से टूट गया, और HCl ऐसा टूटा फिर जुड़ना पाया। क्यों ऐसा टूटा जुड़ना पाया? क्योंकि प्रबल अम्ल है भाई, टूटना जानता जुड़ना नहीं, यही बात है। अब यहां पर देखो आप कि H प्लस की सांद्रता, चूंकि हम जान रहे हैं जल के लिए H प्लस की सांद्रता क्या थी, 10^7 सॉरी, और ये क्या था भाई? उदासीन था। अब मैंने मान लो 10 गुना इसमें सांद्रता बढ़ा दिया H की, HCl डाला तो पूरा टूटा, सब जगह आपको HCl नजर आने लगा। तो H प्लस की सांद्रता अगर पानी में 10 गुना बढ़ गई, मतलब 10^-7 था, 10 गुना बढ़ा दिए तो क्या आ गया? 10^-6। अगर पानी में H प्लस की सांद्रता 100 गुना बढ़ जाए तो H प्लस उदासीन क्या था भाई? 10^7। तो कितने से गुणा किया? 100। क्या आ गया? 10^5। अगर 1000 गुना बढ़ा दिया जाए H प्लस की सांद्रता, 1000 गुना बढ़ा दिया जाए तो ये देखिए 1000 × 10^7 10^4। ऐसा करते 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 हमने क्या देखा? 10^7 10^6 10^5 10^4 दिस मतलब अप टू 100 ऑन। तो मैंने बोला कि H प्लस की सांद्रता, मैंने नहीं बोला सॉरी सॉरी मैंने नहीं बोला, सोरेनसंस ने बोला, साइंटिस्ट थे जो पीएच के बारे में आपको बताए हैं, सोरेनसंस से बोला कि ये 10^7 है जो वैल्यू आ रही है, −7 −6 −5 −4 3 2 1 0 ये आगे बढ़ा दो −8 −10 −12 अप टू 100 ऑन। उसको एक पैरामीटर, पैरामीटर हम बोलते हैं किसी चीज को नापने की प्रक्रिया, पैरामीटर नापने का जो तरीका होता है, जो यूनिट जो मतलब इक्विपमेंट होता है, उसको किस तरीके से मापा जाए, जैसे हाइट फीट में नापी गई, लेंथ वेट ग्राम में नापा गया, समझ गया ना, ये पैरामीटर है। वैसे ही सोरेन एंड सन ने कहा कि हाइड्रोजन आयन को मेजर करने का तरीका, नापने का तरीका, पैरामीटर ये है। ये क्या है? पीएच क्या है? पैरामीटर फॉर कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैरामीटर। तो पीएच आया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैरामीटर। अच्छा, सिंस वी नो जितना एच प्लस है वाटर में उतना ही क्या है बच्चा लो, ओएच माइनस जल में। तो जब एच प्लस बराबर आपको मिल रहा है 10^-pH, देखिए उदासीन, उदासीन के लिए तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 10^-7 है, लेकिन अगर उदासीन नहीं है, हमने क्षार मिला है तो H प्लस बराबर होगा किसके? OH माइनस के बराबर 10^2, लेकिन यहाँ पैरामीटर है OH का कॉन्सेंट्रेशन नापने के लिए, यहाँ H है तो यहाँ क्या गया? OH, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एक फॉर्मूला आपको और मिला, क्या? H प्लस इज इक्वल टू 10^-pH। फिर OH क्या मिला? 10^-POH। ये देखते रहिए कितने फार्मूले निकले, इसलिए बताना जरूरी था। टीचर्स आते हैं बोलते हैं आज मैं आपको पीएच ही निकालना बताएंगे,
और इंग्लिश मीडियम में तो वो यू नो ना अबाउट पीएच खत्म। नहीं भाई, इतने फॉर्मूले आप कहां से कैसे जनरेट करोगे, रटोगे कितना? जब मालूम होगा तो रटना आसान होगा। अब आगे देखिए, इतना हो गया। चलिए, सिंस वी नो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू है 10^-pH, दोनों ओर लॉग लगा दो, दोनों ओर लॉग बराबर लगे हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर क्यों लिया लॉग? सपना आया था? अरे नहीं भाई, सपना नहीं आया था, लेकिन जो पावर में आया था वो हमें डरा रहा था, ऐसा ऐसा करके समझ गया, डर गया। हाँ, तो उसको सीढ़ी लगा दिया नीचे, आप बोला तो दोनों ओर लॉग लगा दिया। ये देखिए, इधर लॉग लिया, इधर लॉग लिया, लॉग लिया, कोई बात नहीं, लॉग को लॉग रहने दो, इसे दूसरा ना बनाओ, राइट। अब देखिए, ये ऊपर था, पावर में ढलन गया, मतलब सामने आ गया माइनस पीएच, और 10-10 क्या हो गया 1। अब इसको देखिए, पीएच इज इक्वल टू ऋण चिन्ह यहां ले जाइए, ऋण लॉग आधा 10 एच प्लस। बात तो समझ में आई होगी कि यहां पर हमने फिर पीएच को कैसे पाया, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस, और सेम यही आ जाएगा पीओएच के लिए, क्या माइनस लॉग बेस 10 ओएच माइनस। ये फॉर्मूले हैं जो सारे के सारे काम आएंगे आपको, और इनसे क्वेश्चंस में बताऊंगा। फिर एक चीज और थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में। याद रखिए, आप जो क्वेश्चन बनाइए मोलारिटी से बनाइए। मैंने बहुत से वीडियो देखे, बहुत से टीचर के देखे, बहुत विद्वान डायरेक्ट नॉर्मेलिटी से पीएच निकाल दे रहे, किसी भी बुक में नहीं दिया है, आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए। मतलब दे डू नॉट नो अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। नॉर्मलता और मोलरता में अंतर जानना जरूरी है। आप पीएच हमेशा मोलरता से निकालिए, कभी धोखा नहीं खाओगे। नॉर्मलता से पीएच हमेशा गलत होता है, आप निकाल के देख लीजिए, कंफ्यूजन बना रहेगा। चलिए टक से फिर आगे बता रहा हूं। स्क्रीनशॉट होने के बाद ये पूरे फॉर्मूले आपको मिल गए, अच्छा रहेगा। एक फॉर्मूला और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। बहुत शॉर्ट में चलने से कोई फायदा नहीं होता बेटा, पानी में तैर के तो निकल जाओगे, लेकिन गहराई भी तो मालूम होना जरूरी है। अंदर जाके एक बार देखोगे तो कोई जानवर तो नहीं, कोई मगर तो नहीं पानी में, कोई कुछ है तो नहीं, तैर के निकल जाओ अच्छा है, लेकिन अंदर थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना भाई, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन वही है, सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। तो चलिए पीएच तक आ गए, एक फॉर्मूला और मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, सिंस हम जानते हैं एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या मिला 10^-14, इसमें भी दोनों ओर लॉग ले लो। अब लॉग क्यों बताया, समझ में तो अच्छे से आ गया होगा लॉग क्या होता है। दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या आ गया भाई, लॉग एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू, ये सांद्रता है ब्रैकेट में याद रखिएगा, लॉग 10, 10 की घात 14, लॉग एम गुना लॉग एन, तो क्या हो जाएगा लॉग एच प्लस प्लस लॉग लॉग एम प्लस लॉग एन ओ एच माइनस। और ये देखिए, ये फिर से सामने कूद गया, और लॉग 10-10 क्या हो गया 1, ऋण निगेटिव को इधर ले आइए, माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस, इसको ब्रैकेट में मैं थोड़ी देर कर देता हूं, प्लस, और फिर यहां माइनस कर दिया, क्योंकि ये माइनस दोनों में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, माइनस लॉग बेस 10 ओ एच माइनस। अब ध्यान से देखिएगा, ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, पीएच, ये देखिए ये पीएच के बराबर है, ये किसके बराबर है, पीओएच के बराबर है, और आपको क्या मिल गया 14। ये फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिएगा। अब आप तैयार हैं न्यूमेरिकल के लिए, थोड़े न्यूमेरिकल बताऊंगा लेकिन सटीक बताऊंगा, समय का भी अभाव होता है,
आप देखते रहिए डेमो क्लास। और जैसा मैंने कहा है कि आपको कि ऑनलाइन स्टडी में फीस स्ट्रक्चर, फर्स्ट पेपर 6000, सेकंड 8000, दूसरा मैंने बोला सीजी का जो स्टडी करना है, जीके जीएस वगैरह जो हमारे पटेल सर कराते हैं उसकी फीस एपी और एसी दोनों के लिए 4000 है। मैथ रीजनिंग एक्सपर्ट टीचर है 2000 और सभी के लिए मटेरियल और टेस्ट इसी में इंक्लूड है। मैंने पहले भी नंबर बताया था, अभी भी बता दूं 9300507576। फिर से एक बार 9300507576। कंप्लीट डिटेल मिलेगी और मुझसे आपको जो भी पूछना हो तो आप 24 आवर्स में अवेलेबल हूं। केमिस्ट्री गर्ल्स बस खत्म, आपको जो पूछना हो टक से एक स्क्रीनशॉट, फिर से रेडी हो गया। अब लीजिए न्यूमेरिकल स्टार्ट भाई, कितना आसान, कितना सुकून और कितना आराम मिलेगा अगर जो समझ जाए। मैं भी चाहूंगा कि इस आपके सफल होने में अगर मेरा कुछ योगदान होता है तो मैं उसे ईश्वर का प्रसाद मानूंगा, क्योंकि आदमी की जिंदगी, एक टीचर की जिंदगी पूरी पूरी सिर्फ इन्हीं अपने विद्यार्थियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। विद्यार्थी हमारे लिए सब कुछ होता है, हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, उसके लिए हम भी मेहनत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और रजिस्ट्रेशन भी कराइए और फायदे मिलेंगे आपको। इस एक एग्जाम का नहीं, व्याप सीजी के जितने भी एग्जाम मिलेंगे, पीएससी के और जितने भी निकलते हैं सब में ये सब चीज आती है। अगर आप बेसिक जानेंगे तब तो बात होगी, और अगर अच्छा लगता है तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट। प्रश्न क्रमांक एक मैंने दिया कि 0.001 मोलर, एम लिखेगा मैं, मोलर मोलर, जब नॉर्मल आएगा तो उसको मोलर में ही बदल के बनाइए और तरीका देखिए। मोलर HCl विलयन का, यानी कि पानी में HCl को मिलाया है, विलयन का pH ज्ञात करो। बहुत आसान है भाई, ध्यान से देखते रहिए बस। ये HCl को हमने देखा जैसे ही पानी में डाला, पानी को बोलते हैं एक्वस, एक्यू लिखा है तो डरनी चाहिए ना। एक्वस में जैसे ही डाला ये 100% टूट गया, 100%। ये एक है एक HCl टूट गया, एक HCl, दूसरा टूटा दो H, दो CL, तीसरा टूटा तीन H, तीन CL। तो यहां पर इसकी सांद्रता जी हुई है 0.001। ये सांद्रता निकाल लिया आपने, बाकी और भी चीजें इसमें आता है, कभी भार देके पूछेगा तो उतना समय डेमो में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जुड़िए फायदा होगा। H की सांद्रता आपको पता चल गई कितनी 0.001। ये जो डिजिट है 1 लिख दीजिए। अब देखिए अपॉन किया, इसके लिए डेसिमल के लिए 1 लिखा, और जितने भी आपके पास उसके बाद शून्य और डिजिट मिलेगा, संख्या मिलेगी, उसके सब के लिए 000 लिख दीजिए। और ये आ गया 1/10^3, और ये आ गया 10^-3। तो H+ की सांद्रता कितनी मिली भाई, 10^-3। अब चूंकि pH निकालना है तो pH का सूत्र हमारे पास है, log बेस 10 H+। ये देखिए H+ की सांद्रता रख दीजिए, H+ की सांद्रता रख दीजिए, H+ की सांद्रता इतनी मिली, ये सूत्र है pH निकालने का। 10^ मैंने लिखा माइनस log बेस 10, H+ की रखा 10^3। देखिए log का उपयोग, देखिए ये फिर नीचे आया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, 10^10^1 हो गया, pH 3 आया। ये बनाने का क्वेश्चन बनाने का तरीका था। अब मैं थोड़ा सा आपको pH स्केल बता देता हूं, ठीक, अब देखते रहिएगा। प्रश्न नोट हो गया, ये बार बार वीडियो देखिए अच्छा रहेगा। अब मैं पीएच स्केल बताता हूं, बहुत आसान है लेकिन बेसिक से लेके चलिए बहुत मजा आएगा। पीएच स्केल कहते हैं, अब स्केल हिंदी में स्केल ही लिख देता है भाई। ये देखिए अगर अपन ने देखा 7 आ रहा है पीएच, जितने माइनस थे वो जो पावर में सबको प्लस कर दीजिएगा, इधर मतलब इसको देखते चलिए प्लस आ जाएगा सब। अगर पीएच 7 है तो ये उदासीन के लिए है, जल के लिए है।
अगर इससे कम होता है, जैसे आधा 10^-6 लॉग लोगे तो 6 आ जाएगा, सांद्रता बढ़ रही है 5, 4, यहां जहां भी आ जाइए ये अम्लीय विलयन हो गया। 7 से अगर वैल्यू कम है तो अम्लीय विलयन, और 7 से मान ज्यादा आ रहा है तो ये क्या हो गया, क्षारीय विलयन। विलयन कैसा होगा, क्षारीय, 7 के लिए उदासीन है। इसका मतलब इसको दूसरे तरीके से लिखें, अगर पीएच बराबर 7 है तो ये कैसा विलयन है, उदासीन। अगर पीएच बड़ा है 7 से, मतलब 8, 9, 10 बड़ा है पीएच 7 से, तो ये क्या हुआ, क्षारीय विलयन, बेसिक सॉल्यूशन। इफ पीएच इज लेस देन 7 यानी कि 7 बड़ा है, कम वैल्यू आ रही है तो ये अम्लीय हो गया। ये पीएच स्केल है, ये क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है इससे ऑब्जेक्टिव में। ये पीएच स्केल को ध्यान से देख लीजिए, अभी आपके ये काम आती जाएगी। फिर से न्यूमेरिकल, एक और अच्छा न्यूमेरिकल, जो मैंने बोला था कि जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं उसको आपको बनाना है किसमें, मोलरता में बदल लीजिए। तो मोलरता वाले प्रश्न बता रहा हूं, बाकी बता के रखा है मैंने, अब ध्यान से देखिएगा। ये पीएच, संकेतों में चलेंगे, पीएच बराबर 7 मतलब उदासीन, इसको तो बता दिया हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया, देखते रहिएगा, 0.002 मोलर H2SO4 विलयन का पीएच ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा भाई, यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, अभी मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो H2SO4 को मैंने लिखा, मोलर विलयन है, नॉर्मल की अलग से बताऊंगा। ये देखिए ऐसा टूटेगा, आप देख रहे हो कि जब ये टूट रहा है तो यहां एच का अमाउंट डबल हो जा रहा है, इसकी सांद्रता 0.0021 ले लो थोड़ी देर के लिए, ये 1 है तो ये डबल हो जा रहा है 0.001, 0.001 मोलर H2SO4 विलयन का पीएच ज्ञात करो। ये प्रबल अम्ल है, पूरा टूटा, लेकिन इसका एच का अमाउंट डबल हो गया और ये इतना ही रहा। हमें किसकी सांद्रता से मतलब है, H प्लस की, तो H प्लस की सांद्रता मिली आपको 2×10 के लिए 1 लिख दिया था पहले, और 1, 2, 3 यानी कि 10^3 मिल गया आपको। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, pH इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है log base 10 H+, ये pH बराबर क्या आ गया, -log base 10 2×10^3। ध्यान से देखिए, ऐसे ही बनाइएगा, किसी और के चक्कर में ना जाइएगा। पीएच इज इक्वल टू 2×10^3, ऋण लॉग 10, एम गुणा एन है 2, ऋण, ये ऋण है इसलिए धन की जगह ऋण आया, log base 10 10^-3, log 2 - log base 10 2 लिखा हुआ है, और ये सामने ढलन गया 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है प्लस, log 2 की वैल्यू लिख दिया 0.3010, लेकिन माइनस है और प्लस 2, अब 2 में से इसको घटा दो तो क्या आएगा, 0.99, ये आ गया 6, ये 1.6, 1.7 अप्रोक्स से लिख सकते हैं लगभग, राइट, ये 1.6 है, 9 है, 7 लिख सकते हो। ये क्या आ रहा है भाई, 1.7 इज लेस देन 7, वेरी वेरी लेस देन 7, 7 से छोटा है, अम्लीय विलयन है। ये क्वेश्चन था एक, मैंने पहले HCl बताया फिर ये बताया, मोलरिटी में मोलरता कैसे टूट रहा है, इसको ध्यान देंगे डबल अमाउंट हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मल देगा तो नॉर्मल का तरीका तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही तरीके को इस्तेमाल कीजिए। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन 4 बेस का लेके बनाता हूं मैं, 0.0 NaOH ले लिया, ये लीजिए NaOH विलयन का पीएच निकालो, पहला HCl था, दूसरा H2SO4, अब NaOH आ गया। हमने देखा NaOH को पानी में डाला बेटा, पूरा का पूरा टूट गया, Na+ और OH- सांद्रता पूरा का पूरा टूट,
छोटा है, इसलिए इसकी सांद्रता 0.001 है, तो इसकी भी 0.001 होगी, इसकी भी एक होगी। तो OH की सांद्रता मिल गई आपको, कितनी मिली? 0.001 × 10⁻³। याद रखिएगा यहां OH की सांद्रता मिली है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप? POH = log base 10 OH-। भाई सांद्रता OH की है तो H कैसे निकाल लोगे आप? तो POH = log base 10 × 10⁻³। तो POH मिला भी +3। ध्यान से देखिए, 10 10 1 हो जाएगा, ये सामने ढलन के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे हमें तो चाहिए pH, यार कैसे मिलेगा? तो फॉर्मूला मैंने बताया था pH + POH, POH = 14। तो इसलिए pH = क्या लिख सकते हो? 14 - POH मिला है आपको, तो ये आ गया pH = 14 - 3 = 11। pH क्या है? 7 से ज्यादा, मतलब क्षारीय। मैंने पहले कहा था कि पानी में पानी तेरा रंग कैसा, एसिड मिला तो एसिड जैसा, बेस मिला तो बेस जैसा, एसिड मिलाया तो एसिड जैसा होगा, ये बेस मिलाया तो बेस जैसा होगा। और इसी में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखा जा रहा हूं, जो आप गलत बनाओगे नहीं, मैं फिर अभी लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें और डिस्कस करूंगा, नॉर्मलिटी पोलैरिटी में डिस्कस करूंगा। प्लीज ज्वाइन विद अस, पूरी चीजें मैंने बता दिया है और 24 आवर्स आई एम अवेलेबल, मैं 24 घंटे हूं। आप यहां आकर संपर्क कीजिए कॉम्पिटिशन अकेडमी हरे राम पटेल सर की क्लास में, मैं यहां पर रहूंगा। और या मुझे आप इसमें देखना चाहते हैं और कुछ पूछना हो, कि कभी शाम को पूछ रहे हैं, कभी हमेशा उपलब्ध यहां पर नहीं रह पा रहा हूं, तो आप उसे केमिस्ट्री गौर सर में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, कैसा लगा? बेल आइकॉन सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए, सर को बताइए, मुझे बताइए, मेरा नंबर नहीं, सर के नंबर में बताइए, अच्छा लगा, ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी फटाफट। नमस्कार।